हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच एस सी स्टडी पॉइंट वाई एस के। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे रिस्क क्या है, रिस्क का डिफिनेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एसेसिंग रिस्क के बारे में जानेंगे, रिस्क को एसेस कैसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे रिस्क को इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रिस्क का डिफिनेशन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिस्क का मतलब क्या है, लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। रिस्क इज इक्वल टू, रिस्क जो है कॉम्बिनेशन है लाइकलीहुड का कॉन्सिक्वेंसेस का। तो चलिए इसका देखते हैं डिफिनेशन। रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ ए हजार्डस इवेंट अकरिंग एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट। मतलब जो यहाँ पे इवेंट होता है उसकी संभावना कितनी है और उसके क्या परिणाम होंगे, इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। यहाँ दो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि दो गड्ढे हैं जो कि फर्श टूटे हुए गड्ढे टाइप के हैं। एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे कि कचरे या डस्टबिन रखे वहाँ पे है, और एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे कि कोई ऑफिस है उसके एंट्रेंस गेट पे है। तो दोनों में आप देख रहे हैं यहाँ लाइकलीहुड क्या है, गिरने की संभावना यहाँ पे कम है क्योंकि इस एरिया में लोगों का आना जाना बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे लाइकलीहुड क्या है, गिरने का बहुत ही कम है, जबकि ऑफिस एरिया में लोगों का आना जाना काफी रहता है। और अगर यहाँ पे मैं एंट्रेंस पे अगर गड्ढे इस टाइप के हैं सेम गड्ढे, तो यहाँ पे लाइकलीहुड हाई रहेगा। इसका मतलब क्या है, लाइकलीहुड लो और हाई हो सकता है। अब कॉन्सिक्वेंसेज में अगर हम बात करें, तो अगर कोई सपोज गिर जाता है इस दोनों एरिया में कोई जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो आदमी गिरा है, कोई कोई कभी जाता है तो हो सकता है ज्यादा ज्यादा इसका डस्टबिन गिर जाए और ये डस्टबिन का कचरा इधर से इधर हो जाएगा। लेकिन ऑफिस एरिया में अगर कोई आदमी का कंटिन्यूअस आना जाना है, तो वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, हाई हो सकता है, इसके जैसा हो सकता है, इसको फ्रैक्चर हो सकता है काफी। तो इस तरह का केसेस हो सकता है। हाँ, आपने देखा कि लाइकलीहुड भी लो और हाई हो सकता है और कॉन्सिक्वेंसेज भी लो और हाई हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते बात करते हैं कि एसेसिंग रिस्क को कैसे एसेस कर सकते हैं। एसेसिंग रिस्क का यहाँ पे देख रहे हैं लाइकलीहुड एक तरफ हमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरे तरफ कॉन्सिक्वेंसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लाइकलीहुड में बात करेंगे कि यहाँ पे गिरने लाइकलीहुड मतलब यहाँ हम गिरने की संभावना कितनी है। तो पहला सीढ़ी, दूसरा और थ्री यहाँ पे लैडर्स लगे हुए हैं। एक देख रहे हैं ग्रीन में है, मतलब यहाँ पे लो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इस लैडर का जो है सारे अरेंजमेंट सही, यहाँ पे एंकर भी किया हुआ है और यहाँ पे इसमें फिसलने जो स्लिप करने का जो ये रहता है प्रोटेक्शन वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, लाइकलीहुड क्या है, कम है। दूसरे में देखिए यहाँ पे यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है और यहाँ पे इसका जो स्लिपरी जो नॉन स्लिपरी का जो अरेंजमेंट है वो एक में है एक में नहीं है। तो यहाँ से गिरने का जो संभावना क्या है वो मीडियम है। और यहाँ पे देखिए लैडर ही पूरी तरह टूटी हुई है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो हाई हो सकता है। तो यहाँ आपने देखा लाइकलीहुड लो से लो भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस में। अगर यहाँ देखें तो इसमें अगर यहाँ से जो ग्रीन पार्ट है, अगर यहाँ से तीनों सीढ़ी में से कहीं से भी गिरता है तो कॉन्सिक्वेंसेस लो होगा। येलो जो पार्ट दिख रहे हैं, अगर इससे कहीं से भी गिरता है तो मीडियम होगा, और ऊपर वाले एरिया से अगर गिरता है तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, हाई होगा। तो ये एसेस रिस्क एसेस करने का एक तरीका है। तो आप लाइकलीहुड भी समझ चुके होंगे और कॉन्सिक्वेंसेस भी समझ चुके होंगे। अब देखते हैं कि रिस्क को इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइकलीहुड को इवेल्युएट करेंगे। वो 1:5 हमने कॉन्सिक्वेंसेस को भी लिया है, लाइकलीहुड को भी लिया है और कंसिक्वेंसेस को भी 1:5 लिया है। अब यहाँ पे लाइकलीहुड में क्या क्या होगा, लाइकलीहुड की अगर बात करें तो अगर 1 है तो मतलब वेरी अनलाइकली, 2 है तो अनलाइकली, 3 आता है अगर कॉम्बिनेशन ए करके तो वेरी फेयरली लाइकली, 4 आता है तो लाइकली एंड 5 आता है तो वेरी लाइकली। तो ये लाइकलीहुड का डिफिनेशन है कि संभावना कितनी वहां पे रिस्क का रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कंसिक्वेंसेस की अगर हम बात करें, तो कंसिक्वेंसेज इंक्रीजिंग कंसिक्वेंसेज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि और 1 है तो इनसिग्निफिकेंट है, 2 है तो माइनर इंजरी हो सकती है, 3 है तो उससे ज्यादा मॉडरेट हो सकता है, 4 में मेजर इंजरीज हो सकती है और 5 में कैथोट्रोपिक हो सकती है। कैथोट्रोपिक का मतलब हुआ एक से ज्यादा लोगों को इफेक्ट करना, एक से ज्यादा लोग इंज्योर होना, एक से ज्यादा लोग घायल होना।
तो अभी आपने रिस्क इवैल्यूएट रिस्क करना आप सीख गए। अब देखते हैं यहाँ पे पांचवें फिगर में, मैं ज्यादा से अच्छा से इसको और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इंक्रीजिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड इंक्रीजिंग लाइकलीहुड, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, अगर वन टू ग्रीन पार्ट जितने भी देख रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है, मतलब वन से फोर तक के, देखिए वन से फोर तक देख रहे, मतलब एक्सेप्टेबल है, मतलब नो फर्दर एक्शन बट इंश्योर कंट्रोल आर मेंटेन। यहाँ पे फर्दर एक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कंट्रोल मेंटेन, वहाँ पे जो कंट्रोल किया गया वो कंट्रोल मेंटेन हमेशा रहना चाहिए, तभी ये ग्रीन जोन रहेगा, अदरवाइज चेंज होगा। उसके बाद 5 to 9 देखें, जो येलो है, लाइट येलो जो दिख रहा है, 5 5 इसका लोअर है, 9 इसका हाई है, तो ये एडिक्वेट है, मतलब लुक टू इम्प्रूव एट नेक्स्ट रिव्यू। नेक्स्ट देखेंगे 10 to 11 है, जो लाइट रेड में है, ये टॉलरेबल है, मतलब लुक टू इम्प्रूव विद इन स्पेसिफाइड टाइम स्केल। इसमें जो टाइम स्केल दिया जाता है उसमें इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है, जो कि 10 से लेकर के 16 तक आता है, जो कि लाइट रेड में है, और उसके बाद जो डार्क रेड टाइप का जो शो कर रहा है वो 20 और 25, मतलब और 17 आता है इसमें, तो इसमें 70 से जो लेकर के 25 तक जो होगा वो अनएक्सेप्टेबल होगा। मतलब अगर ए आ रहा है तो इस केस में क्या करना है, स्टॉप एक्टिविटी एंड मेक इमीडिएट इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे काम को तुरंत रोक देना है और सबसे पहले वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो ये पूरे जो वीडियो में मैंने आपको बताया उससे आप अच्छे समझ चुके होंगे कि रिस्क का डिफिनेशन क्या होता है, रिस्क को एसेस कैसे कर सकते हैं और इवेल्युएट रिस्क को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारी बारी, आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।